यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके सॉल्व किया मैंने आपको, ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट्स दिया है सब रीड करके सॉल्व करने को, और आप लोग अभी तक अगर नहीं किया रहेगा तो रीड करके पॉज करके सॉल्व करना, क्योंकि ये सब में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप सॉल्व करोगे तभी समझेंगे, आप सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं समझेंगे। मैं रीड करूं क्वेश्चन अभी, आ जाओ। वैसे आप सबका आंसर मैंने देखा रॉन्ग है, एक दो जन का शायद थोड़ा करेक्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स बॉटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अमृत ब्रांड कोल्ड ड्रिंक, इट ऑपरेट्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन एज अ कॉस्ट सेंटर, बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर देके रखा है अपने को, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अपोर्शन कॉर्पोरेट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन स्टार्टेड बिजनेस कितने साल पहले, 94 to 95, 95, 96, बराबर ना? Each vehicle of the fleet was acquired 240, no residual value, had no estimated life after of 4 years, had estimated life of 4 years, salvage value of each vehicle at the end of 4 years, देके रखा है अपने को। Countrywide distributor, which is countrywide network for distribution of food and beverages, has offered soft drink a 3 years distribution contract for 19,50,000 each year. Contract will start 1/4/95. Soft Drink Limited accept the offer if it closes down its own distribution division and will sell delivery vehicle. Disposal price of each vehicle is estimated to be 75,000. Barabar? Soft Drink Limited will avoid cash operating cost of 21 lakh. Avoid मतलब distribution division close कर देगा तो खर्चा क्या हो जाएगा? Save. Security analyst have recommended purchase of shares of Soft Drink Limited. Security analyst has forecasting net profit 660 for 95-96 as against estimated 630 for 94-95. The forecast assumes that company will continue operation of its distribution division. ये क्वेश्चन समझा आपको यहाँ तक? एक कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूशन का आउटसोर्स कर रही है किसको, कंट्री वाइड को, एक साल का 19,50,000 देगी उसको। अभी तक वो खुद का डिवीजन चलाती थी जिसमें कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 21 लाख था, बराबर, और उसने बोला उसके पास व्हीकल भी थे, कितने व्हीकल थे, 8, और वो 8 व्हीकल को डिस्पोज ऑफ कर देगी। अगर अभी नहीं करती है तो जो उसकी लाइफ बची उसकी बात कर सकती है, बराबर। Tabulate a comparison of all relevant costs for next 3 years for 2 alternatives. Use of own division and use of countrywide. Recommend whether Soft Drink Limited should offer the accept the offer of countrywide. उसने क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है, Tabulate a comparison of all relevant costs for next year. He has not asked you to evaluate the proposal. He has asked you to calculate relevant cost of 2 proposals. Then why you are preparing statement relevant revenue, relevant costs? Tabulate a comparison of all relevant costs for next 3 years for 2 alternative uses. आपको दोनों users के खाली क्या देने हैं? Cost relevant जो है. Then why you are preparing relevant revenue, relevant cost? Question का required part बरोबर read करने का, हमें वो लिखना है जो उन्होंने पूछा है, वो नहीं जो हमें आता है या हमें अच्छा लगता है, बरोबर। Advice तो चलो दे देंगे हम लोग। अभी आते हैं first part, question number कौन सा है हमारा? 23 ना? क्वेश्चन 23 पार्ट 1, उसमें ए स्टेटमेंट शोइंग रिलेवेंट कॉस्ट इफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन इज केप्ट। नॉट क्लोज्ड, बराबर। तो 2 साल कौन से हैं? 95, 96
96, 97। मैं ये क्वेश्चन नंबर साल क्यों चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग के कंसेप्ट है ये आप 100 साल पुराने भी पढ़ो वही रहेंगे, इनमें एडिशन होगा कम नहीं होगा, आप समझे। ये क्वेश्चन सब बनाए हुए हैं 25, 25, 30, 30, 40, 40 साल पहले, 70s के जमाने में बने हुए क्वेश्चन है कुछ, लेकिन वो कंसेप्ट आज भी उतना ही रिलेवेंट है। आज कंसेप्ट बढ़ रहे हैं कम, और जो आगे नए कंसेप्ट आते हैं वो पुराने पे बेस्ड होते हैं, तो आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आप आगे भी कुछ कॉस्टिंग पढ़ो ना, तो उसके लिए ये आना जरूरी है आपका 95, 96, 96, 97 और 97, 98 और टोटल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 21 लाख 63 लाख। डेप्रिसिएशन रिलेवेंट है क्या, अपोर्शन कॉस्ट रिलेवेंट है क्या, तो सैलवेज वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स कितनी दी है, 3 साल बाद की वैल्यू, और 5 व्हीकल है कि 8 into 30 तो कितने हो गए 2 लाख, तो ये कितना हो गया 60 लाख 60,000 टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। हाँ या ना, अरे समझा क्या, 21 लाख 21 लाख 21 लाख, हाँ 18 लाख 60,000 बरोबर। ये समझा क्या सबको, बी पार्ट स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। इफ ऑफर of countrywide distributor is accepted, बरोबर 1995, 96, 97, 98 and total। यहाँ पे particulars, तो fees 19 लाख 50 है क्या, फीस 19 लाख 50, 19 लाख 50, 58, 50 यही है ना, लेस सेल वैल्यू ऑफ व्हीकल, व्हीकल आज ही बेच देंगे कितने में, तो 8 into 75,000 6 लाख टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। $13,50, $19,50, $19,50 or $52,50 ये समझा, सिंस टोटल रिलेवेंट कॉस्ट is least than offer of countrywide distributor is accepted, so company should accept offer of countrywide distributor। हाँ या ना, ये समझा क्या, सबको समझ में आया, ये आपको उसने पूछा ऐसा था आपने बनाया कुछ और, ये समझा सबको, एवरीबडी। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इफ इन क्वेश्चन
we were said to evaluate offer of countrywide distributor. Then we would have prepared table as you have done. बराबर particulars क्या हुआ rupees relevant revenue relevant cost relevant revenue में number one money to be number two outflow to be saved बराबर यहाँ पर money to be spent inflow to be lost बराबर पहला आते हैं अगर मैं offer accept करूँगा तो मेरा कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर नहीं होगा विच इज कितना है 21 लाख्स इंटू 3 63 लाख्स आया ना अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं व्हीकल को आज ही बेच दूंगा सेल वैल्यू ऑफ व्हीकल 75,000 into what? 6 lakhs. बराबर ये 6 lakhs, ये 63 lakhs. Total 169 lakhs. अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो मैं उस केस में उसको फीस पे करूंगा 19,50,000 into 3. 58,50,000 स्क्रैप वैल्यू लॉस्ट जो मैं 4 साल बाद बेचूंगा ना 3 साल बाद कितने में 30,000 में इंटू 2,40,000 58,50,000 2,40,000 टोटल टू कितना 60,90,000 आया ना तो एडिशनल नेट प्रॉफिट और लॉस कितना 8 लाख सिंस देयर इज एडिशनल नेट प्रॉफिट ऑफर ऑफ कंट्री वाइड टू बी एक्सेप्टेड आया ना अब आप ऊपर देखो इसमें 50-50 है इसमें 60-60 दोनों का डिफरेंस लो 8,10,000 बरोबर जब अपन अलग अलग कॉस्ट लिख रहे हैं मतलब ये इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन जब हम दोनों को एक ही टेबल में लिखते हैं तो एक का कॉस्ट दूसरे के लिए रेवेन्यू बन जाता है समझे एक का रेवेन्यू दूसरे के लिए कॉस्ट बन जाता है इनफ्लो लॉस्ट समझे अरे हाँ या ना इसलिए हमेशा देखो कि वो क्या पूछ रहा है डिसीजन सेम ही आने वाला है उसको पता है उसने जानबूझ के ऐसा पूछा था कि आप ऐसा नहीं बना और वो आपके 4 मार्क्स काट लेंगे डिसीजन भले ही आपका करेक्ट हो पर जो उसने पूछा वो बनाया आपने समझे बरोबर से यानी अपने को रिक्वायर्ड पार्ट बरोबर रीड करना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है इवैल्यूएशन तो हम कैसा भी कर सकते हैं पर अगर वो स्पेसिफिकली बोलता है खाली कॉस्ट बताओ रेवेन्यू बताओ तो हमें वो करना पड़ेगा ये समझा सबको एवरीबडी आगे ये फर्स्ट पार्ट था ये समझा आगे देखो व्हाई माइट सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड बी रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूटर इग्नोर इनकम टैक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर हम एफएम में सेम सम करते थे तो कैश फ्लो को डिस्काउंट करते थे यहाँ पे नहीं करना है
फर्दर मेक सुटेबल एजम्पशन एज यू वॉन्ट टू मेक, बाकी हमको कुछ नहीं करना है। बरबर वो बोल रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड आपका ऑफर क्यों रिजेक्ट कर दे। आइला यहाँ तो अपन ने तो देखा तो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है ना, और वो बोल रहा है रिजेक्ट करने को, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? इसके ऊपर हमें कल विशेष डिस्कशन और टिप्पणी करनी है, शायद कल का पूरा लेक्चर इसमें चला जाए, 3 घंटा पूरा उसमें चला जाए, शायद ऐसा भी हो सकता है। ये जो कैलकुलेशन किया समझा आपको, कैलकुलेशन समझा सबको। अब हमेशा ध्यान रखो, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, मैं हर सम आपको रीड करने को दूंगा, हर सम के लिए मैं आपको आधा घंटा टाइम दूंगा, तो आप लोग भी आधा घंटे टाइम लेने का, 20 मिनट 25 मिनट, नहीं तो ये टाइम लेंगे और ये नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। वो आधा घंटा टाइम में क्वेश्चन को आराम से रीड करो, हर सेंटेंस को दिमाग में इंटरप्रेट करो, रिक्वायर्ड पार्ट रीड करो, रिक्वायर्ड पार्ट के लिए क्या चाहिए सोचो सोचो सोचो, गिव 5-10 मिनट सोचने के, फिर फटाफट ड्रॉ करो, अमाउंट्स लिखो, कैलकुलेशन करो। कभी कभी ऐसा होगा कि आप पूरा सब खत्म करोगे, उसके एंड में आपको याद आएगा, अरे यार एक चीज लिखना भूल गया मैं। वो जो आप टाइम दोगे सम को, दैट इज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मैं बोलूंगा ना तो आप कभी सोचोगे नहीं, आपने सोच लिया कुछ एक सोल्यूशन पे पहुंच गया, फिर मेरे को देखने का मैं कैसे सॉल्व करता हूं, तो मैं रीजन बोलूंगा हर चीज के, तो आप देखने का आपने क्या गलत सोच के गलत अमाउंट, तो वो रेक्टिफिकेशन होते जाएगा कि अपने को ऐसा नहीं ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं ऐसा सोचना है, समझे बरोबर से। तो आपके लिए आगे के लेक्चर में हमेशा ऐसा जरूरी है कि आप सॉल्व करो, मैं नोटबुक में सॉल्यूशन राउंड मार के देखूंगा, जब तक आप लिखना चालू नहीं करोगे, अमाउंट्स नहीं लिखोगे, मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में चार्म यही है। और अपन लोग भी नोटबुक में लिखने का, मैं हूं नहीं हूं वो अलग बात है उधर, क्योंकि जो बच्चे देख के सॉल्व करते हैं वो थोड़ा गलती मारते हैं, फटाफट खत्म करने के चक्कर में आगे देखते जाएंगे, पर अपना दिमाग में हर क्वेश्चन के टूवर्ड्स एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होना चाहिए, वो क्रिएशन बहुत जरूरी है। जब तक आप में दिमाग में वो चालू नहीं होएगा, आप ये ध्यान रखो कॉस्टिंग का पेपर में आप लिख नहीं पाओगे। पूरा मार्जिनल में अपन यही मेहनत करेंगे कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा, कुछ करने को दूंगा, होमवर्क करके आना, मैं आपको बोल रहा हूं आप होमवर्क करोगे एग्जाम के पहले, आप सम खोलते से अगर आपको मेरा पीछे आवाज सुनाई नहीं दिया तो आप देखना। लेकिन अगर आप बात नहीं मानोगे, होमवर्क नहीं करोगे, मैं डिस्कस करूंगा तब सोते रहोगे, तब तो बॉस कुछ नहीं हो सकता। ये सब में उसने अपने को बोला है सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड ऑफर एक्सेप्ट ना करे, गिव रीजंस क्यों नहीं करे। ये इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है, मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन सा रियल लाइफ केस स्टडी है, और आपने सुना भी है। अपने घर वालों को, डैडी को पूछना, ये ऐसा ऐसा डेटा है, ये क्वेश्चन है, पूरा हिंदी में समझाना रीड करके एक एक लाइन, और पूछना आपको क्या लगता है क्यों एक्सेप्ट करे क्यों नहीं करे, वो पर एक करेक्ट जवाब दे देंगे आपको। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको पूछना, समझो आपके घर में सब एजुकेटेड है, तो पहले नीचे जाके बिल्डिंग में कोई नीचे सब्जी वाला, केले वाला, फ्रूट वाला, जूस वाला रहेगा, उसको पूछना, बाद में ऊपर घर पे आके रेडी कर पूछना, बिकॉज ये इतना कॉमन सेंस है, इतना कॉमन सेंस है कि अनपढ़ को भी ये सब आता है। हम ये पढ़ रहे हैं बिकॉज we want to present these simple things in complicated manner, report में complicated manner में लिखना है हमें, तो आपका यहाँ पे presentation बहुत matter करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज जाना, अभी घर जाके खाना वीना खा के सो जाना, फिर उठ के क्वेश्चन का फोटो मोबाइल में होना चाहिए, आंसर का फोटो मोबाइल में होना चाहिए, जिधर जाओ उसको पूछो, सिर्फ उसी इंसान को पूछो जो धंधा करता है, दुकान वाला, सब्जी वाला, केले वाला, फिर आपके डैडी, अपने दोस्तों को नहीं पूछना, आपके भैया सीए है तो उसको भी नहीं पूछना, क्योंकि वो आपको ना वो चीज नहीं बोलेंगे जो एक अनपढ़ आदमी बोलेगा।
समझे बराबर से एवरीबडी पक्का ये करके आएंगे। अभी मैं इन लोगों को जरा सॉल्यूशन दिखा दूं पॉज करके, और वैसे तो इजी है आप खुद भी बना सकते हो, पर लेट अस शो द सॉल्यूशन। पॉज कॉपी आप लोग भी देख लो, पॉज कॉपी आप लोगों को ये पूरा अच्छे से रीड करके डिसीजन लेके आने का है। हर मार्जिनल के क्वेश्चन में उतना ही मेहनत है। बाय बाय टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब आप कमेंट लेके आएंगे।